बैम बूम ब्रीम दोस्तों, कैसे हो? क्या पोजीशन है? बहुत बहुत महाफाड़ो महाकतरू पॉन्डिचेरी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बहुत ही खतरनाक खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। आज के स्टार्ट हम करेंगे साइबरपंक 2077 से। साइबरपंक 2077 में क्या हो रहा है, गैंग्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन की सुर्री छोड़ी है। न्यूज बोलो इंग्लिश में, खबर बोलो उर्दू में, सुर्री बोल दो एकदम देसी में, ठीक है। तो डेवलपर ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें बताया कि कैसे अलग अलग तरह के गैंग्स एक अलग अलग तरह के क्राइम में लिप्त होंगे। उनका जो क्राइम करने के स्टाइल से आप पहचान दोगे, ये साला उसी गैंग ने किया है जो कि पिंक चड्डी पहनता है। कोई गैंग उसमें ऐसा जो पिंक चड्डी पहनता है, कोई ब्लू चड्डी पहनता है। वो साला जो लड़कों का गैंग है ना, कई बार तो वो भी पिंक चड्डी पहन लेते हैं। लड़का भी पिंक चड्डी पहन रहा है, समझ में नहीं आया मुझे। और फिर कई बार जो लड़कियों का गैंग है वो नीली चड्डी पहनता है, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। और कोई गैंग साला चड्डी पहनता ही नहीं है, जीन्स पहनता है। चलेगा ना, जीन्स तो ठीक है, हाँ किसी ने आंख में एलईडी लगा ली है, तो किसी ने यहाँ सुई घोंप ली है, भगवान जाने क्या क्या कर रहे हैं उसमें लोग बाग। और जैसे आप उनके एरिया में जाओगे ना, गैंग के एरिया में, तो उनका जो आर्ट स्टाइल और ग्राफिटी होगा उस पूरे एरिया का, जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टाइल है ना, उससे आप पहचान जाओगे यार ये तो उसी गैंग का इलाका है जो सारा पिंक चड्डी पहनता है। और कुछ गैंग ऐसे होते हैं जिनके इलाके में आप चले जाओ तो गंदगी भरी पड़ी है, एकदम गंदगी भरी पड़ी है, तो आप दूर से पहचान जाओगे साले ये गंधौरे लोग का गैंग है, ये सारे के सारे गंधौरे हैं, इनके गैंग से मतलब पहचान जाओगे आप, ठीक है। आप किसी गैंग के होते नहीं हो, पर आपका जो ब्रीड है ना इस साइबरपंक 2077 के, उसका नाम है मर्क्स। मर्क्स होते हो आप लोग। जो दूसरे गैंग्स हैं वो अपने आप में डील करते हैं और अपने क्लोज्ड ग्रुप के साथ में रहते हैं, जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसी के साथ में वो धंधा पानी करते हैं। पर मर्क्स जो होते हैं ये कॉर्पोरेट वालों के साथ भी धंधा पानी करेंगे और अलग अलग जितने भी टाइप्स के इसमें गैंग होने वाले हैं उनके साथ भी धंधा करते हैं। मर्क्स लोग का ऐसा कुछ नहीं, ओपन टू ऑल है भाई, ये लोग ओपन सर्विस देते हैं। आप जो बोलो जी हाँ टिकटॉक हो चुका है बैन, गोली भाई ये कोई नई खबर नहीं है, अरे नहीं है ना, यूएस में बैन हुआ है। साथ ही साथ वी चैट हो चुका है बैन, गोली भाई ये भी कोई नई खबर नहीं है, अरे है ना क्योंकि यूएस में हुआ है बैन, तो ठीक है बैन हो गया। इसमें और मसालेदार खबर क्या है? हाँ मसाला देंगे आपको। मसालेदार खबर ये है कि अगला नंबर है राइट गेम्स वैलोरेंट, जो कि 100% चाइनीज गेम है। आपको याद होगा मैंने पबजी मोबाइल भी स्ट्रीम करना छोड़ दिया था जब बैन हुआ, उसके 1.5 महीने पहले से मुझे उड़ती भपकी आ गई थी, उड़ती मुझे खबर आ गई थी कि यह गेम का जो है गेम होने वाला है पबजी मोबाइल का, तो इसलिए मैंने बोला कि इस गेम से अपनी दूरी बना लो। साथ साथ हमने देखा होगा वैलोरेंट से भी मैंने दूरी बना रखी है और इस बात के 99% चांसेस हैं कि वैलोरेंट यूएस में बैन होने वाला है। 99%, 1% शायद बच के निकल भी जाए, बट ये लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है राइट गेम्स के पास में, जो कि एक पूरा 100% ओन्ड बाय टेंसेंट स्टूडियो है, कि भाई आप अपना गेम किसी दूसरी कंपनी को बेच के निकल लो वैलोरेंट सारे मैकेनिक्स और सारे स्टूडियो सारे स्टाफ के साथ में। ये थोड़ी सी नाक की लड़ाई हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल है कि टेंसेंट ऐसा करेगा, वो शायद पूरा अपने आप को सेबोटाज करके ही छोड़ेगा, पर अपनी जो स्टफ़ है वो दूसरों के पास छोड़ेगा नहीं। पर वैसे भी यूएस के पास अगर देखें तो टैलेंट ज़्यादा है कंपेयर टू टेंसेंट। ये है कि गेम डेवलपर्स थोड़े से महंगे पड़ते हैं और टेंसेंट की जितने भी ओन्ड स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे एज अ डेवलपर अगर आप लग जाते हो तो वहाँ छप्पर फाड़ के पैसा दिया जा रहा है टेंसेंट की तरफ से। ये तो है कि एपिक पे भी थोड़ी सी बात की, क्योंकि एपिक में शेयर है टेंसेंट का, फिर 5-5% यूबीसॉफ्ट और एक्टिविजन के अंदर भी है, तो कुछ ना कुछ सवालों के घेरे में कंपनियां ये भी आ सकती हैं। इसी चीज़ ये है कि यूएस में भी IRCTC ऐसा कांड हो गया भाई, जब जो लोग प्लेस्टेशन 5 ऑर्डर करने के लिए बैठे, मान लो सुबह 9 बजे अनलॉक होने वाला था प्री ऑर्डर सिस्टम, तो जैसे ही 1 सेकंड बचा था और 1 सेकंड पास हुआ, वो जो कमिंग सून था वो ऑर्डर नाउ, जैसे ही बंदों ने किया ऑर्डर नाउ तो पेज हुआ हैंग, फिर जैसे ही उन्होंने F5 पेस्ट किया तो सारे के सारे सोल्ड आउट। ये कांड हो गया, जैसे नहीं हमारे साथ IRCTC में होता है वैसे US में भाई लोगों के साथ हो गया जो PS5 ऑर्डर करने बैठे थे। तो डेफिनेटली ये सारा जो शॉपिंग बॉट्स बनाते हैं जो हैकर्स लोग, उनका ये काम था, सारे के सारे ऑर्डर्स लेके वो लोग बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, तो ये कांड हो गया US में बहुत बड़ा। हो सकता है हमारे यहाँ भी ऐसा कांड हो जाए। अब यार अपन समझ में नहीं आ रहा है कि अपना अपना PS4 कहाँ से जुगाड़े, ओवरसीज कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा लगता है। PS5 के लिए ओवरसीज कॉन्टैक्ट कर दूंगा मैं। खतरनाक गेमिंग न्यूज़। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन हिट करें, भरपूर मात्रा में हिट करें और भरपूर मात्रा में कमेंट करके हमें बताएं कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। तो थोड़ा हो सकता है हम इसको और आपको पसंद आएगा, तो ये सेगमेंट हम और थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसी अपने देसी अंदाज में। जी हाँ भाई और बहनों, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं हूँ गोल्डी भारत माता की जय। बैम बूम ड्रीम, आगे दीजिए मुझे आप सभी को प्रणाम कर दूंगा मैं।